बन जाए। टूटू, हमें पहचान, हम तुम्हारी चाची हैं। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, चाची तुम्हारे साथ खूब सारे खेल खेलेगी। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम चाची को तंग नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? ओ छोटू। ए बाबू, ए तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। अभी नहीं, अभी छोटू चाची से बातें कर रहा है। छोटू को हम बहुत पढ़ाएंगे और बड़ा होके छोटू राजा बाबू बनेगा, है ना? हाँ सही है बाबू, बहुत सही। तो अच्छा है कि हमारा कोनो बच्चा नहीं, वरना यार ओकरे सामने तुम उनका ध्यान ही नहीं देती हैं, पलट के बिना देखती हमका। देखा छोटू, चाचा तुमसे कितना जलते हैं। अरे कह दो चाचू को कि तुम हमसे बात कर रहे हो, डांटो उन्हें, डांटो। ठीक है पति को जो है तुम भूल जाओ, बिल्कुल सही है। तुम भी ना कृष्णा। देखो देखो छोटू तुम्हें बुला। आओ, ये देखो। क्या कर रही? अरे ध्यान से ध्यान से। ए काब संभालो अपने भतीजे। अरे बाबू देखो ऐसा है, बहुत छोटा यार, हमसे न संभलेगा तुम। काम का दे इलो इलो तुम ही पकड़। कृष्णा अरे हम कह रहे ना यार, हाँ संभाल के ध्यान से। अच्छा अब ठीक है, ऐसे ही है। ए बकैती लाल, ए बोल बे, ए बोल। कृष्णा क्या कर रहे हो? अरे हम क्या कर रहे हैं यार, मतलब हम तो बस तो ये देख रहे हैं कि जो है ना ये कौनों पे गवाह है, बाप पे गवाह है, महतारी पे गवाह है, बस ये देख। अच्छा हाँ, तो फिर ये बताओ कि छोटू किसके जैसा दिखता है? यार अब नैनक से तो हमका समझ में आया नहीं रहा, बाकी आप वैसे बता सकते हैं, वैसे तो यार छापा मार के भौजाई पे गवाह है। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि छोटू केसर दीदी जैसे? अरे कोनो बड़ी बात थोड़े है यार, देखो हम इतना विश्वास से ही कह रहे हैं, क्या कि हम इसको इतना परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहा, एकदम ऐसे देखो साधु, एकदम देखो देखो मुस्कुरा रहे का। और यही अगर शक्ति भाई पे गवाह होता ना तो हमारे ऊपर चढ़ जाता ससुरा भी। और का ये शक्ति भाई है, हवा पानी को भी नहीं छोड़ता, इसकी माँ की हवा कितनी अच्छी चल रही, इसकी बहन की देखो बारिश मस्त है, बता रहे हैं कौन सा हम बोल रहे हैं। देखो ऐसा एकदम हो जाए पे गवाह, एकदम सार, कुछ भी नहीं कह रहा, देखो कैसे मजे में खेल रहा गलत कहेगा। देखो जाना तो गंगा, आज हमका ना बहुत सारा सामान मिला है नेगमा, उनका कछु मिला कि नहीं कि ऐसे खलिए रह गए। हमका ना ये घर में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमका तो बिन मांगे ही मिल जाए, समझी? लीजिए आपकी चाय लाएं। अरे हाथ हटाओ, आँख खोल के दीदा खोल के देखना गंगा, ए ए आँख खोल के देखो ना, आँख खोलो ना। ए देखना, देख देख जरा, देख के बताना ये हम तुमका ये नए अंदाज में कैसे लग रहे हैं यार, अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं?
अच्छे? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे आप। आप ना वो हमारे गांव में आता है ना लखना दकाए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। हमारे गांव में एक बार आया था और रुका ना पुलिस पकड़ के ले गई, तो समझे थे कि कौनो भूत भूत आ गए हैं। उसके बाद भाई रुपया आ गए थे हमारे गांव में, बिल्कुल उकी भी ऐसे ही काली काली दाढ़ी थी, उनके हाथ में खून वाली तलवार, जोर जोर से चिल्लाते थे खून का बदला खून, पर वही रोटी दे देते ना तो चुप हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल वैसे लग रहे हैं आप। अरे तुम्हारी तो कह रही थी कि बूढ़े लग रहे हो, बूढ़े लग रहे हो, लिए रंग लिए कह लिए अपने आप को जवान, रंग चुंके अपने को जवान कह लिए, जब इतनी मेहनत करके यहाँ तुम्हारे सामने खड़े भाए तो तुम हमको डकैत सकैत पता नहीं क्या बोल बोल के उधर मचाए हो यार, ये अच्छा थोड़ो लगता है। अरे यार हम तुम्हारी बात का इतना मान दे रहे हैं, तुम्हों को इतना मान देना चाहिए, तुम तो कुछ समझ में नहीं रही। पर हम आपसे कब कहे थे कि आप अपनी दाढ़ी को काला कर दो, कहे थे तब? ऐसे ये बात बताइए कि जो आपने दाढ़ी में रंग लगाया ना, ये कभी नहीं उतरने वाला? अरे यार तुम्हारे खातिर रंग लगाए पक्का ने ना कच्चा ऐसे चेकिंग कर रहे थे, अब तुमको न पसंद आ जाएगा भाई धो देंगे और क्या। अब ऐसे का देख रहे यार, अरे दाढ़ी करिया किया कनो मुंह थोड़ो करिया किया, अब तुमरे खातिर किए थे, जब तुमको पसंद नहीं आया तो भट्ठा कोलिए में जाए सब। अब तो ठीक है, तो हम ना आपको लखना डकैत कह के पुकारते और बोलते ई लो लखना डकैत आपकी चाय तैयार, ऐसा बोलते हैं हम आपको। हाँ आप तीन दिन आएगा भाई। इतना मेहनत से सब करो तब सर्वा व्यर्थ, पता नहीं क्या चाहती यार ये औरतें। भाभी भैया की आने की खुशी में तो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अरे अब तो कुछ खा लीजिए। ऐसी हालत में खाली पेट रहना ठीक नहीं। अच्छा चलिए आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ लाते हैं। अरे रहे दो आरुषि, हमको ना कुछ नहीं खाना, जाए दो। अरे ये क्या बात हुई कोमल, अभी कल तक तो तुम ही अपना ख्याल रखने की बात कर रही थी ना, और आज से ही लापरवाही शुरू। देखो बेटा ऐसी हालत में तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब का फायदा दादी, जब हमरे पेट से होने पर कौनों को खुशी नहीं है तो हम काहे अपना ख्याल रखें? जाए दो, जौन होता है वो होने दो। कोमल बेटा क्या बात है, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? सही कह रहे ससुर जी, जब बच्चे का बाप ही अकेले खुश नहीं है तो हमारा माँ बनने का क्या मतलब रह जाता है? आदेश बेटा, बेटा ये कोमल क्या कह रही है? पापा इस घर में बस सबको अपनी खुशी की पड़ी हुई है और हमारी खुशी किसमें है इससे किसी को मतलब नहीं, हमारी किसी को परवाह थोड़ी है, सबको बस अपना मतलब दिख रहा है और कुछ नहीं। देखिए ससुर जी देख लिए ना तुम कि जौन कुछ भी आदर्श बोल के गया है ना कि तुम्हारे लिए नया है, सब कुछ हमका सुनाई के गए, हमको उनकी खुशी से कौनो मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपना मतलब देख रहे हैं, हम मतलब ही हैं।
साला आदर्श साहब जब से बाहर से लौट के आया है ना, एकदम बदल गया है। इके मन में का चल रहा है तुमका समझ में आ रहा है कुछ? देखो कोमल बेटा, बहुत से लोगों को जब पहली बार पता चलता है ना कि वो पिता बनने वाले हैं, अरे तो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई जिसके लिए कि वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब बच्चा उनकी जिंदगी में आ जाता है तो वो धीरे धीरे बच्चे की तरफ झुकने लगते हैं। हो सकता है आदर्श को भी ये खबर सुनकर ऐसा ही लगा हो। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।